नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर थ्रेशोल्ड के बाद। ये जो नंबर आप यहां पे देख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और पायलट इसको कैसे समझता है, मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो जब हम कंपास यूज़ करते हैं तो कंपास इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा नॉर्थ पोल पर जाकर के रुकती है और एक हिस्सा उसका साउथ पोल पर जाकर रुकता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो रनवे नंबर हैं ये बेसिकली डिग्रीज़ हैं। आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे, अगर मैं कंपास को रखता हूँ तो ये जो नॉर्थ पर आपको जीरो दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री है, और इसके अपोजिट में अगर मैं देखूं तो 180 डिग्री है। तो अगर मैं रनवे कुछ ऐसा बनाता हूं कि एक हिस्सा उसका 0 की तरफ रहे और एक हिस्सा उसके 180 की तरफ रहे, तो इस रनवे का नंबर हो जाएगा 0 और 180। और वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि ये जो रनवे है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन जो 0 है, जो बेसिकली 360 भी कहलाती है, अगर मैं पूरी काउंट करूंगा तो 360 होती है, लेकिन हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो नंबर होगा वो 360 होगा एक तरफ, जो नॉर्थ की तरफ कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं एक रनवे बनाता हूँ जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में है, तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसका जो नंबर होगा 360 होगा, और जो हिस्सा रनवे का मेरे साउथ की तरफ दिख रहा है उसका जो नंबर होगा वो 180 होगा। लेकिन रनवे को हम लोग रनवे ये जो हमारे को डिग्रियां मिली हैं ये डिवाइडेड होती हैं बाय 10। जी हाँ, इसको 10 से भाग करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 360 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 36 आता है, और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो 180 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 18 आता है। तो हाँ, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस रनवे का नंबर जो नॉर्थ साउथ में बना हुआ है, इसका जो नंबर हुआ 18/36, यानी कि 18 और 36। तो इससे कैप्टन को और पायलट को पता लग जाता है कि ये रनवे किस दिशा में है। तो एक रनवे पूरे एयरपोर्ट का चार्ट होता है जो इस तरीके के होते हैं, तो हर एक रनवे के नंबर उस चार्ट पर बने होते हैं जहाँ पर कोई भी जहाज पायलट जो है उसको लेकर के जाता है, तो उसके पास ये पहले से मौजूद होता है, और वो एज़ पर जो फ्लाइट प्लान होता है, एक फ्लाइट प्लान पहले ही तैयार होता है कि जहाज़ को कैसे कैसे जाना होता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं इसको सिंपल करूं, तो जैसे अमूमन हम एक जगह से दूसरी जगह या किसी के घर जाते हैं तो हम एक रास्ता हमें पता होता है और उसी रास्ते से जाते हैं। कभी कभी हम उस रास्ते को बदल कर अगर वहाँ पर कोई परेशानी हो तो दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन आसमान में कोई इस तरीके के रास्ते, फिजिकल रास्ते नहीं हैं बल्कि दिशाओं के रास्ते होते हैं। जी हाँ, वो पहले से प्री प्लान है, उसी के अनुसार जहाज़ उन पर चलता है जो विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर हम उस रास्ते से चलें तो सही जगह पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं मेरा जो एयरपोर्ट है और मुझे वहाँ पर रनवे बनाना है, तो रनवे बनाने के भी एक नियम होते हैं कि किस तरफ से बनाया जाता है। एक्चुअली में ये विंड को देख करके, वेदर को देख करके, सब चीज़ काफ़ी सारे पैरामीटर हैं उनको देख करके बनाए जाते हैं, किसी भी दिशा में ये नहीं बनाए जा सकते। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री उठाऊंगा उस जगह की पर्टिकुलर की, तो मुझे देखना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हवा चलती है वो किस तरफ से चलती है, क्योंकि हवाई जहाज़ के उतरने का एक पैटर्न होता है हवा में, तो उसी अनुसार वो हमें रनवे बनाया जाता है। मैंने तो ये सिंपल एक रनवे बना दिया जो एक तरफ 36 हुआ, या 0 कह सकते हैं क्योंकि 0 नहीं होता तो 36 हम उसको कहते हैं, और इधर एक तरफ 18 हुआ, 18 है, तो ये तो एक सिंपल वन हो गया। जब भी कोई रनवे बनेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, वो ऊबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा नहीं बन सकता। तो जब भी आप कंपास में कोई एरो लगाते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, तो वो आपको सीधी खींचनी होगी एंड टू एंड, तभी वो आपका एक मुकम्मल रनवे बन पाएगा। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग आती है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा रनवे मैं बनाता हूँ और वो पॉइंट में आ जाता है, वो पूरा पूरा एक राउंड फिगर में नहीं आता, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो उसका नंबर क्या होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स पॉइंट वाई और दूसरी तरफ वाई पॉइंट जेड है, तो इस जो पॉइंट के बाद की जो आपकी जो संख्या है उसको हम कैसे वो करेंगे। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर 5 से कम हुआ, अगर 5 पॉइंट के बाद अगर 5 से कम हुआ तो हम उसको
पहले पहले वाली मतलब जो हमारा जो पहला नंबर दिख रहा है आपको उसी पे ही रोक देंगे और उसको राउंड फिगर में करके ज़ीरो कर लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद 6, 7, 8 या 9 है तो हम पहले वाले नंबर में जो पॉइंट से पहले है उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्ट पे 1 रनवे, 2 रनवे, 3 रनवे, 4 रनवे, 5 रनवे, 6 रनवे, और अगर मैं आज की बात करूँ 2018 की तो सबसे ज़्यादा एक एयरपोर्ट पे 7 रनवे हैं, तो उनको क्या नंबर दिए जाएंगे? रनवे जो हैं वो पैरेलल हो सकते हैं, रनवे जो हैं क्रॉस में हो सकते हैं, और 4 रनवे, 3 रनवे, 2 रनवे भी पैरेलल में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस और विंड डायरेक्शन। तो उनके क्या नंबर होंगे? तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक L का निशान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ R का निशान लिखा हुआ है। तो ये L जो है ये लेफ्ट को डिनोट करता है, इसका मतलब है कि ये रनवे एयरक्राफ्ट जो पायलट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये जो R डिनोट करता है ये राइट डिनोट करता है कि मैं अगर इस रनवे पर उतरने वाला हूँ तो मेरे को जो ATC से इंस्ट्रक्शन आई है कि मैं इस रनवे पर जो नंबर दिया गया है उसका लेफ्ट पे उतरूं या राइट पे उतरूं, क्योंकि दोनों रनवे पैरेलल में हैं तो मैं राइट वाले पे उतरूं या लेफ्ट वाले पे, वो ATC मुझको बताता है कि आप जिस रन रोमियो पे उतरे, इसको रोमियो बोलते हैं और L को लीमा बोलते हैं, तो सिंपल वे में L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट, तो मैं राइट वाले पे उतरूंगा विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि नंबर दोनों के एक हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो नंबर दोनों के तीनों के चारों के एक ही हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर चारों के ही मैं एक जैसे नंबर दे दूंगा तो लेफ्ट राइट तो नहीं हो सकते, फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसको दूर करने के लिए भी एक नियम है कि अगर चार रनवे एक ही दिशा में हैं तो उनको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, और अगर 3 रनवे हैं तो उनको कैसे डिनोट करेंगे। तो पहले हम 3 को समझ लेते हैं कि पहला रनवे लेफ्ट होगा, दूसरा रनवे सी यानी कि सेंटर, और जो थर्ड वन है वो राइट यानी कि वो मेरे राइट में होगा। ये 3 रनवे की बात हुई, अगर 2 हैं तो लेफ्ट राइट, 3 हैं तो लेफ्ट सेंटर राइट, और अगर 4 रनवे पैरेलल में बने हुए हैं तो उनके नंबर क्या होंगे? उनके नंबर होंगे लेफ्ट राइट, जो ऊपर नंबर दिया गया है वो सेम रहेगा, नीचे लेफ्ट राइट, लेकिन जो बाद के जो 2 रनवे बचे हैं उन पे भी लेफ्ट राइट आएगा, लेकिन उनके जो एंगल हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो पहले वाले से या तो एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो 2 पट्टियाँ चौड़ी चौड़ी बनी हुई हैं, ये जो जोन है ये टच डाउन एरिया कहलाता है। जी हाँ, जब भी कोई पायलट आता है जहाज़ को लेकर के रनवे के बिल्कुल अलाइन कर लेता है वो उस नंबर से डिग्री के अनुसार, तो उसको ऊपर से बैठ के दिख जाता है कि उसको इन पट्टियों पर अगर वो उतरता है इस एरिया में तो वो आसानी से अपने जहाज़ को एक रनवे की जो लेंथ है उस पर रोक सकता है। अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है या वो उससे आगे उतरता है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड उसको जहाज को रोकने के लिए उसकी मदद ना करे और वो ओवररन हो जाए, जिसके लिए मैंने पहले बताया था वो एरिया आगे दिया हुआ है। तो स्पीड उसकी मायने रखती है कि तो पायलट जो है वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखता है कि मेरे को इस टच डाउन एरिया में उतरना है ताकि वो सेफ उतर सके। टच डाउन एरिया के बाद ये एक सेंटर लाइन है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी एंड टू एंड होती है, एयरक्राफ्ट हमेशा इसी को अलाइन करके उतारा जाता है, क्योंकि जब वो सेंटर में अपना जहाज रखेगा तो जो चौड़ाई जो मैंने पहले बताई थी रनवे की वो दोनों तरफ बराबर रहेगी, लेकिन अगर वो अलाइन नहीं कर पाता है सेंटर लाइन से तो हो सकता है कि आपका एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर चला जाए और वो किसी एक्सीडेंट को बुलावा दे दे। अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि रनवे कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो रनवे अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो 2 तरीके के होते हैं, एक जो नेचुरल बने होते हैं और एक जो ह्यूमन मेड या आदमी या लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो नेचुरल होते हैं वो आइस पे बनाए जा सकते हैं, वो ग्रास पे बनाए जा सकते हैं, वो सैंड पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन मेड होते हैं उसमें एक ख़ास मटेरियल के साथ में किसी भी जगह पर वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली देखें
तकनीकी रूप से देखें तो जो रनवे हैं वो तीन तरीके के होते हैं, उन तीन में भी फिर फर्दर तीन तरीके के डिवाइड होते हैं, तो मैं सिंपल करके इसको बता रहा हूँ। पहला विजुअल रनवे होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हाँ जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो सारे जो हैं तीन तरीके के जो बता रहा हूँ वो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला है विजुअल रनवे, तो जो किस जो इस तरीके के होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ये बहुत ही छोटे एयरपोर्ट में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी आमदनी नहीं होती कह सकते हो या इतना काम नहीं होता, तो नॉर्मल रनवे बनाए जाते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ में बनाए जा सकते हैं। और ये अमूमन जो है जनरल एविएशन जहाँ पर बहुत ही कम फ्लाइंग होती है, जहाँ छोटे जहाज उड़ते हैं या फ्लाइंग क्लब में बनाए जा सकते हैं, इनकी जो लंबाई है वो 1000 फीट से 3000 फीट तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट। दूसरे तरीके के जो रनवे होते हैं वो स्मॉल टू मीडियम होते हैं। स्मॉल टू मीडियम का ये मतलब हुआ कि वहाँ पर छोटे जहाज से लेकर के थोड़े बड़े जहाज तक उतर सकते हैं, और इनको मार्किंग रनवे भी कहा जाता है जो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एक छोटे एयरपोर्ट से लेकर के एक मीडियम साइज़ के एयरपोर्ट तक बनाए जा सकते हैं, और इनकी जो लंबाई है वो 6000 फीट से लेकर के और 8000 फीट तक हो सकती है, और ये इतने मजबूत बनाए जा सकते हैं कि इन पर एक स्मॉल जो जहाज़ होते हैं, जो छोटे जहाज हैं उससे लेकर के एक मीडियम रेंज तक का जहाज उतारा जा सकता है, उसके वजन को ये सहन कर सकते हैं। तीसरा और जो आखिरी जो सेगमेंट है रनवे का वो मीडियम टू लार्ज रनवे होते हैं। ये अमूमन जो मझले या जो बीच के जो एयरपोर्ट होते हैं उनसे लेकर के और बड़े एयरपोर्ट जो लंदन हीथरो वगैरह हैं या लॉस एंजलस हैं, न्यूयॉर्क है, दिल्ली एयरपोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट पे ये बनाए जाते हैं, और ये फुल मार्किंग के होते हैं, और फर्दर इनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इनकी जो लंबाई होती है वो 6000 फीट से लेकर के 12000 फीट तक हो सकती है, और मैक्सिमम जो लंबाई अभी तक है 2018 में एयरपोर्ट के अंदर ऐसे रनवों की, जो भारी भरकम जो कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं US आर्मी वगैरह में आपने देखे होंगे, उनकी जो लंबाई है वो एयरबेस में वो 13000 फीट है। तो गाइस मैं बात कर रहा था इसकी मीडियम टू लार्ज जो रनवे होते हैं जो 6000 फीट से लेकर के 12000 फीट तक हो सकते हैं, इनको फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। आपने जब आप सफ़र कर रहे होंगे या आगे करेंगे कभी आप लोग, तो आप वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे रनवे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रेड कलर की पट्टी होती है जो कुछ इस तरीके की होती है, जिस पर उस रनवे की कैटेगरी लिखी होती है। अगर वो नहीं लिखी है तो इसका मतलब वो है कि वो मेरा जो है ना स्मॉल टू मीडियम जो मैंने पहले बताया था जिसमें कि मार्किंग होती है खाली, उस तरीके के रनवे होते हैं। अगर ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रनवे है इस पर इंस्ट्रूमेंट प्लस लाइट का इस्तेमाल किया गया है ताकि सेफ लैंडिंग की जा सके। ILS इंस्ट्रूमेंट एंड लाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं रनवे के ऊपर और कुछ लाइटें लगाई जाती हैं ताकि हम रात में भी जहाज़ को, बड़े से बड़े जहाज़ को बिना किसी रुकावट के उतार सकें। तो इसमें ये जो कैटेगरी मैंने बताई है 1, 2 और 3, इनमें भी फर्दर इनके प्रोज और कौनस हैं। तो जो कैटेगरी 1 रनवे होते हैं उस पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इनकी एक पैरामीटर है कि पायलट को कितनी दूर से डिसीजन लेना होता है उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, उड़ने के लिए। कैटेगरी 2 की भी एक दूरियां और ऊंचाई जो है, एल्टीट्यूड जो हम बोलते हैं, उसको तय किया जाता है जो कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और कैटेगरी 3 में ये बिल्कुल ज़ीरो होता है, आप इस पर वेरी हाई फॉग में भी एयरक्राफ्ट को उतार सकते हैं बड़े वाले को इंस्ट्रूमेंट और लाइट की मदद से। और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।